नमस्कार, मैं हूं इरम फातिमा और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज से। सहकारी समितियों में डीएपी की भारी किल्लत, सुविधा लोगों को ही दी जा रही है डीएपी। किसानों ने समितियों के सचिवों पर लगाए गंभीर आरोप। बोले किसान सचिवों की मनमानी से आलू की खेती पर छाए हैं संकट के बादल। गुसहगंज कन्नौज क्षेत्र के लगभग सभी सहकारी समितियों पर डीएपी की भारी कमी देखी जा रही है, जिसके चलते किसानों ने सोमवार को हंगामा काटा। किसानों ने समितियों के सचिवों पर रसूखदार लोगों को डीएपी मुहैया कराने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस द्वारा किसानों को लाइन में खड़ा कर खाद वितरित कराने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किया है। सोमवार को क्षेत्र के ग्राम मलिकपुर एवं नगर की दक्षिणी सहकारी समिति में किसानों ने जमकर हंगामा काटा है। क्षेत्र किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि सहकारी समितियों के सचिव कालाबाजारी कर रहे हैं, रसूखदार लोगों को ही रेट से अधिक पैसे देकर डीएपी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी बीते दिनों पहले हुई भीषण बारिश में आलू किसान वैसे भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और अब शासन प्रशासन द्वारा किसानों को डीएपी की व्यवस्था न करवाए जा सकने के कारण आलू की खेती पर संकट के बादल छाए हुए हैं। मौके पर मौजूद पूर्व प्रधान कौशलेंद्र प्रताप सिंह, राजकुमार यादव, प्रमोद तिवारी, बबलू नेता अनुराग दुबे, किसान नेता इरशाद अली सहित सैकड़ों की संख्या में किसानों ने कहा है कि सहकारी समितियों पर आने वाली डीएपी रसूखदार लोगों के घरों में भंडारण कर ली गई है। जिला प्रशासन इसकी गंभीरता से जांच करवाए ताकि किसानों के समक्ष इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके। उधर हंगामा काट रहे किसानों की सूचना पर मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक श्री राम पटेल ने पुलिस बल के साथ किसानों को समझा बुझाकर शांत किया। साथ ही लाइन लगवाकर प्रत्येक किसान को दो दो बोरी डीएपी दिए जाने की समिति के बाबुओं से बात कही है। रिपोर्ट आजम रजाऊ।